पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गतवर्ष ये घोषणा कर दी थी कि वे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके चलते अर्की और कुनिहार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी मायूसी देखी गई। घोषणा के उपरांत सभी वीरभद्र सिंह के पास आए और उन्होंने उन्हें चुनाव लड़ने की प्रार्थना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विनम्र आग्रह पर कांग्रेस दिग्गज नेता, जो 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं का आग्रह स्वीकार किया और दोबारा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि वे कांग्रेस को एक बार फिर से प्रदेश में स्थापित करेंगे, जिसे सुनकर उनके कार्यकर्ता भारी प्रसन्न दिखे। कुनिहार के वरिष्ठ नेता राजेंद्र ठाकुर ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जिला परिषद और बीडीसी चुनावों में भीतर घात से बेहद आहत थे, इसलिए उन्होंने रोष में आकर चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी थी, जिससे उनके साथी समर्थक बेहद उदास थे और उन्होंने अपने नेता को चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया और उन्होंने ये आग्रह स्वीकार कर आज फिर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया है और वे आने वाले चुनावों के लिए बेहद उत्साहित हैं। कल जो अर्की विधानसभा का दौरा था, पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक अर्की राजा वीरभद्र सिंह जी का, उसमें एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो मात्र केवल एक जो कुछ पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने जो पंचायती राज चुनाव में विरोधी काम किया था उनके आवेश में आकर ऐसा उन्होंने बयान दिया। उसके पश्चात सैकड़ों लोग कुठाड़ में उनके जो आजकल जहाँ निवास कर रहे हैं वहाँ पे, और कार्यकर्ताओं ने वास्तविक स्थिति को जब उनके सामने रखा और अनुरोध किया कि वो अभी एक बार और प्रतिनिधित्व की तहसील और इसका हमारे प्रदेश का करें, तो इस पर राजी हो गए। और आज उन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता में जो घोषणा की कि वो ना केवल चुनाव लड़ेंगे अपितु प्रदेश का भी पूरा जो प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए करेंगे, और वो स्वास्थ्य के लेकर भी जो अटकलें लगाई जा रही उससे वो बिल्कुल फिट हैं और आने वाले चुनाव में वो बिल्कुल प्रदेश का दौरा कर अपने पार्टी के लिए भी काम करेंगे और खुद भी चुनाव लड़ेंगे। बार बार कार्यकर्ताओं के जो अनुरोध पर उन्होंने जो अपना फैसला अपना पलटा है, उससे मैं यही कहूँगा कि पूरे अर्की नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है।